नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों और बेटियों को जो इस तरह से बेइज्जत करे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इंडी गठबंधन का कोई भी नेता आगे आके कांग्रेस इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है। इंडी गठबंधन नहीं है, दलदल है। कोई सनातन धर्म को गाली देता है, खत्म करने की बात करता है, डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या बता देता है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये तो पूरे देश को तबाह कर देंगे। अब इनमें कोई तालमेल और सामंजस्य नहीं है। कमलनाथ अखिलेश वखलेश कहते हैं तो वह कहते हैं कांग्रेस से चालू पार्टी और कोई नहीं है, धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। इनमें घमासान मचा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में और ज्यादा विभाजित हो गया है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। सर दिग्विजय सिंह कह रही है पाकिस्तान में बैन यहां पर भी होनी चाहिए, जो मतदाता है ईवीएम पे सवाल उठाए उन्होंने। अभी से हार की भूमिका बना रहे हैं, वो ईवीएम को दोष देंगे। ये दोनों भाई और बहन इतने झूठे हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रोज झूठ बोलते हैं मध्य प्रदेश में आकर। कल तो उन्होंने इतिहास को भी गलत बता दिया। अब भगवान राम के बारे में वो जानते नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बता दिया कि राम भगवान को 13 बरस का वनवास हुआ था। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 बरस का हुआ था। ये राम का पहले भगवान राम का ये विरोध करते थे, तो इनको सही जानकारी होगी कहां से। अब राम नाम की दुशाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं। ये जो पाखंड करते हैं वो जवान पर इनके आ जाता है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कल श्रीमती प्रियंका गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पोल खोल रही थी। उन्होंने कभी विकास कराया ही नहीं। वो अपने क्षेत्र अमेठी में जाते थे तो हमने देखा जनता उन्हें डांटती थी, एक साल हो गया तुमने सड़क नहीं बनवाई, स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई, तुमने टीचर नहीं बैठाया। उनने खुद ये बता दिया कि कांग्रेस का विकास से कोई लेना ही देना नहीं है। उनके स्वर्गीय पिताजी ने भी कोई विकास नहीं किया, तो पिताजी की पोल और खुल गई प्रियंका गांधी जी। अब ये पूरी कांग्रेस, इनका विकास से कभी वास्ता रहा नहीं। कमलनाथ जी कभी भारत बदनाम है, कभी मध्य प्रदेश है, मदिरा प्रदेश कहने लगते हैं। कई बार वो कह देते हैं चौपट प्रदेश। किसका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी? मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का अपमान है। और कल तो कमलनाथ जी ने हद कर दी, सावेर की जनता ही को गद्दार कह दिया। जनता को गद्दार कहने वालों को अब जनता ही सबक सिखाएगी।